देखो आज हम पढ़ेंगे क्या, स्केलेटन। क्या स्केलेटन? स्केलेटन क्या होता है? देखो स्केलेटन, स्केलेटन को हिंदी में कहते हैं कंकाल। ठीक, कंकाल पढ़ेंगे आज हम। तो देखो कंकाल क्या होता है, हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। मान के चलो ये वाला हाथ की हड्डी है, एक हड्डी यहाँ है, यहाँ से यहाँ जुड़ी है, यहाँ से यहाँ जुड़ी है, यहाँ से यहाँ जुड़ी है, ये सब क्या बहुत सारी हड्डियाँ जुड़ी हैं मेरे, ये पसलियाँ हैं मेरी बहुत सारी, पैर में हड्डियाँ हैं, ये एक न एक हड्डी से जुड़ी है। ठीक है, तो ये हड्डियों का समूह है, इसीलिए हड्डियों के समूह को हम क्या बोल देते हैं, कंकाल। ठीक है, कंकाल। भूत चुड़ैल देखे हैं तुमने, जो भूत दिखाई देते हैं, जो यूट्यूब पे दिखाई देते हैं वैसे भूत दिखते हैं, ये सब क्या उनका कंकाल दिखाई देता है, भूत भूत प्रेत नहीं दिखते। एग्जांपल ऐसे समझो कि तुम किसी आदमी को जिंदा जला दो, और जलाने के बाद जब वो जल जाए ना, तो सिर्फ उसमें हड्डी हड्डी बचेगी, तो वो पूरा ढांचा बचेगा हड्डियों का, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कंकाल। तो भाई हम पढ़ेंगे कि कितनी बॉडी में, मतलब हमारे एक मानव शरीर में कितनी ही हड्डियां होती हैं, वो सारी एक एक करके सही से तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंकाल क्या होता है हमारा, स्केलेटन। देखो हड्डियों के समूह को क्या, हड्डियों हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। क्या कंकाल कहते हैं? ठीक है, हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। ये हो गया हमारा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा कंकाल होता है ना, वो दो टाइप का होता है। तो कंकाल को क्या करेंगे हम, स्केलेटन को, दोनों टाइप बताऊंगा आपको। ठीक है, स्केलेटन पहला हमारा होता है इंडोस्केलेटन। क्या इंडोस्केलेटन हमारा होता है? इंडोस्केलेटन। और ये होता है एक्सोस्केलेटन। कौन सा? एक्सोस्केलेटन। ठीक है, ये एल है एक्सोस्केलेटन। इसे बोलते हैं आंतरिक कंकाल। क्या आंतरिक? आंतरिक कंकाल। और इसे बोलते हैं बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल। ठीक, तो अब एक अच्छे से समझेंगे हम, क्या करेंगे अच्छे से समझेंगे कि आंतरिक कंकाल क्या होता है और बाह्य कंकाल क्या होता है। तो देखो जिनकी हड्डियां शरीर के अंदर होती हैं उन्हें हम बोल देते हैं इंडोस्केलेटन। देखो हम हैं, हमारी हड्डियां शरीर के अंदर हैं। गाय देखिए, गाय की हड्डियां शरीर के अंदर है, भैंस की हड्डियां शरीर के अंदर है, तो हम ये किसमें पहुंच जाएंगी, इंडोस्केलेटन। जिसकी भी हड्डियां शरीर के अंदर हैं वो इंडोस्केलेटन में आएगा, और जिसकी भी हड्डियां शरीर के बाहर हैं वो सब किसमें जाएंगी, एक्सोस्केलेटन में। जैसे कि मच्छर तुमने देखा है शरीर के बाहर हड्डियां, तुमने बिच्छू देखा है शरीर के बाहर हड्डियां हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े आप देखोगे ना एक्सोस्केलेटन में आएंगे, उनकी सारी हड्डियां बाहर होती हैं। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन में हम यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे सुनो, इंडोस्केलेटन में मानव आ जाएगा, घोड़ा आ जाएगा, बकरी आ जाएगी, भैंस आ जाएगी, गाय आ जाएगी, ये जो इंडोस्केलेटन में आ जाएंगी, इनकी सबकी हड्डियां शरीर के अंदर होती हैं। ठीक है, लेकिन एक्सोस्केलेटन में बाह्य कंकाल तंत्र, इनकी हड्डियां शरीर के बाहर होती हैं। जैसे मैं तुमसे बोलूं बिच्छू, क्या बिच्छू, जैसे तुमसे बोलूं मच्छर, ठीक है, जैसे तुमसे बोलूं शंख, क्या शंख, शंख जानते हो जो बजाने वाला, ये एक जीव है, तुम्हें ये लग रहा होगा ये शंख मतलब वो बजाने, हाँ ये जीव है, पहले ये पानी में रहता था। ठीक है, कौड़ी जानते हो, कौड़ी पहले बोलते थे, कौड़ी जानते हो, कौड़ी भी एक जीव है, इस बहम में मत रहना, जिस कौड़ी को जो तुम आजकल सफेद सफेद देखते हो ये कौड़ी जीव था, पहले पानी है, जलीय जीव है ये, शंख और कौड़ी ये पानी में मिलते थे। देखो इस कौड़ी की पहले ये कौड़ी चला करती थी, तभी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी दो कौड़ी की औकात नहीं है। कौड़ी जानते हो ना, ये शादी ब्याह होता है तो गाड़ी के पीछे गाड़ी लुटाई जाती, कौड़ी पहले लुटाई जाती थी, और मतलब गाँव के जो यूपी बिहार के होंगे ना तो जाति पे जाते हैं, जाति होती है एक चीज, तो उसमें जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब ये कौड़ी क्या होती है, लुटाई जाती हैं। ठीक है, तो कौड़ी भी एक जीव है, शंख भी एक जीव है, मच्छर भी जीव, बिच्छू, ये तो तुम्हें पता ही है। तो इनके जो हड्डियाँ होती हैं ना, इनकी हड्डियाँ जो होती हैं वो शरीर के बाहर होती हैं, और इनकी जो हड्डियाँ होती हैं इंडोस्केलेटन में, ये शरीर के अंदर होती हैं। ठीक है, तो स्केलेटन क्या होता है वो समझ गए होगे, इंडोस्केलेटन क्या होता है वो समझ गए, एक्सो समझ गए।
तो देखो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जल्दी जल्दी पूरी हड्डियां गिन लेते हैं, ठीक है। तो मेरा अब देखो तुम्हें हाथ तो दिख नहीं रहा।